आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को हुआ था। वो आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर में नजर आई थी। खबरों की माने तो आयशा और अक्षय कुमार का अफेयर भी रह चुका है। आयशा ने कुर्बान, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, दलाल, बलमा, वक्त हमारा है, रंग, संग्राम, जय किशन, मासूम जैसी फिल्में की हैं। खिलाड़ी में आयशा और अक्षय दोनों थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयशा अक्षय को लेकर सीरियस थी, मगर अक्षय उस वक्त सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थे। आयशा ने 2003 में आई फिल्म आंच में नाना पाटेकर के साथ काफी बोल्ड सीन्स किए थे। खबरों के मुताबिक आयशा और नाना पाटेकर लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन नाना के बुरे बर्ताव से तंग आकर आयशा ने ये रिश्ता खत्म कर दिया था। अपने करियर के ढलान पर आयशा की जोड़ी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ बनी। आयशा ने उम्र में 22 साल बड़े मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म दलाल में काम किया था। इसमें डबल मीनिंग गानों को लेकर विवाद हुआ था, साथ ही फिल्म के बोल्ड सीन भी चर्चा में आए। आयशा का आरोप था कि इनको उनकी जानकारी के बिना फिल्माया गया। बोल्डनेस का यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था और इसके बाद आयशा का करियर खत्म हो गया। आयशा ने फिल्म कैसे कैसे लोग 1983 से अपना करियर शुरू किया था और उस समय उनकी उम्र 11 साल थी। आयशा ने अपने 27 सालों के लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में काम किया। 2003 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन टाइकून समीर बाशी से शादी करके घर बसा लिया और अब वह अपने पति के साथ कंस्ट्रक्शन, स्पा और अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन एडिशंस जैसे कई बिजनेस संभाल रही हैं।